साल 2004 में जब इंडियन ओशन में भयंकर सुनामी आया था, एक 10 साल की लड़की थी टिली स्मिथ जो अपने परिवार के साथ थाईलैंड गई थी छुट्टी मनाने। ये और इसका परिवार फुकेट बीच पर मौजूद थे कि अचानक से इसने देखा बीच पर पानी का लेवल पीछे हटने लग रहा है। ये देखकर इसे याद आया कि कैसे स्कूल में ज्योग्राफी की क्लास में इसकी टीचर ने इसे बताया था कि जब सुनामी आता है तो उस वक्त समुद्र कैसे बिहेव करता है। ये चीज इसने अपने पेरेंट्स को बताई, वहां एक मैरियट होटल था वहां पर स्टाफ को बताई और पूरे बीच को इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएशन के कुछ ही मिनटों बाद एक भयंकर सुनामी वेव आती है और ये 2004 का सुनामी जिसने इतनी तबाही मचाई इतने सारे शहरों में। फुकेट का बीच इकलौते ऐसे बीचेस में था जहां पर किसी की जान नहीं गई, ना ही किसी को कोई सीरियस इंजरी आई। इससे सबक मिलता है, हमेशा वार्निंग साइंस को ध्यान में रखिए सुनामी के। बीच पर मौजूद पानी अगर बहुत ज्यादा पीछे हटने लग रहा है, दूसरा अगर आपको कोई रोरिंग आवाज सुनाई देती है जैसे कि कोई एरोप्लेन सामने से गुजर रहा हो, इन दोनों का मतलब है कि सुनामी किसी भी वक्त आ सकता है। और एक और चीज याद रखिए, पहली सुनामी की वेव सबसे बड़ी वेव नहीं होती यूजुअली। अगर आप एक बहुत बड़ी वेव को देखते हैं तो याद रखिए उसके पीछे और भी बड़ी वेव्स आ सकती है।